धर्म नीति में और आज की भौतिक नीति में यही तो अंतर है। भौतिक नीति हमें एक सुख देगी लेकिन 10 दुख देगी। आज जितनी सुख सुविधाएं भौतिकता में प्रदान कर रहा है विज्ञान हमें, उससे ज़्यादा साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत सारी व्यक्ति अपने जीवन को जैसे कितना प्रदूषण कर रहे हैं, कितने ये सुविधाएं आपको लगती हैं जिनके साइड इफेक्ट कितने हैं। आज टीवी है, मोबाइल है, ये सब सुविधाओं में आते हैं लेकिन इसके साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आज कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी होता है कैंसर हो जाता है, कोई बीमारियां हो रही हैं। ये सब इन्हीं के परिणाम हैं। ये सब चीज़ें हमारे धर्माचार्य या धर्म के जो भगवान रहे सब जानते थे। रामचंद्र जी जानते थे कि मोबाइल कैसे बनता है, उनको मालूम था कि टीवी कैसे बनाए जाते, लेकिन उन्होंने बताए नहीं। महावीर जानते थे कि आकाश में कैसे उड़ा जाता है, अणु बम कैसे बनता है, लेकिन उन्होंने बताए नहीं, क्योंकि धर्म शास्त्रों का नेता पिता के समान होता है। पिता एक ना जाने कितनी चीज़ों को जानता है लेकिन अपने बेटे को वही बताता है जो उसके लिए हितकारी है। वो गलत रास्ते भी जानता है लेकिन बेटे को गलत रास्ता नहीं बताता। ऐसा ही हमारे भारत के जितने भी भगवान हुए हैं, ये सब आज जो विज्ञान खोज रहा है ये भगवान के ज्ञान में था, ऋषि मनीषियों के ज्ञान में था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं क्योंकि वो मानवतावादी थे। विज्ञान जो है मानववादी है, और हमारे जो आचार्य महाराज होते थे, संत होते थे, वे मानवतावादी होते थे। वो सबसे पहले देखते कि मानवता तुम में है कि नहीं। आज मानव तो है लेकिन मानवता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और धर्मशास्त्र कहते हैं हमें सुख सुविधाएं भली कम मिलें लेकिन मानवता जिंदाबाद रहना चाहिए। मानवता हमेशा कायम रहेगी तो व्यक्ति सुखी ज़्यादा रहे। पहले एक गांव में 10 गांवों में एक वैद्य हुआ करता था, आज एक गांव में 10 डॉक्टर हैं, फिर भी बीमारियों की लाइन लगी हुई। विज्ञान हमें एक ऐसी कगार पर जाके खड़ा कर देगा जहाँ से हम लौट भी नहीं सकेंगे और आगे हम जा भी नहीं सकेंगे। विज्ञान खुद कह रहा है कि एक दिन ये जो जितनी भी सुविधाएं दी जा रही हैं एक दिन विनाश पर ख़त्म हो जाएंगे। नास्त्रेदमस की एक भविष्यवाणी है, विज्ञान एक चरम सीमा पर पहुंचा करके एक विस्फोट करेगा, सारे विश्व को 5 सेकंड के अंदर खत्म कर देगा। विज्ञान की दृष्टि में ये विश्व की मात्र उम्र 5 सेकंड है बस। जिस दिन किसी विज्ञान का, किसी बड़े देश का दिमाग बिगड़ गया, 5 सेकंड के अंदर सारा विश्व तबाह हो जाएगा। आकाश से मात ऐसी गैस जैविक युद्ध होगा जो व्यक्तियों को मार देगा, ये वार तंजों की त्यों खड़ी रह जाएंगी। तो ये सारी स्थितियाँ आज बच्चों जैसी हैं कि बच्चे को मिट्टी बहुत अच्छी लगती है लेकिन वो नहीं समझ पाता है कि इस मिट्टी का भविष्य क्या है। आज वैज्ञानिक सुविधाएं हमें अच्छी लग रही हैं लेकिन इनके जो साइड इफेक्ट होने वाले हैं उससे व्यक्ति बेखबर है। जब तक जागेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।